हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपके अपने UK 20 टैक्सी ब्लॉक्स में। और अभी मैं हूँ सागरपुर दिल्ली में। यहाँ से मेरा पिकअप है उत्तराखंड हरतपा के लिए। हरतपा जो कि अपना भवाली से आगे है, और ये मेरे पुराने गेस्ट हैं तो इनको मैं पहले भी लेके गया हूँ। इनकी कॉल आई थी मेरे पास परसों कि हमको घर जाना है, तो मैंने कहा ठीक है। मैं भी अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई बुकिंग है नहीं, तो मैंने बुकिंग डन कर दी और अभी इनको पिकअप करने के लिए आ रखा हूँ। अभी रात के 10:45 हो रहे हैं, 10:45 बज रहे हैं, और 11 बजे का पिकअप है। कस्टमर का कॉल अभी आ गया था थोड़ी देर पहले, उनसे बात हो चुकी है। तो उनके नियरेस्ट ही अभी मैं हूँ, उनके आस घर के आसपास ही हूँ, नियरेस्ट ही हूँ, पहुँच चुका हूँ। और कुछ ही देर में जाके उनको पिकअप कर लूँगा। और ये रहे उनकी लोकेशन, ये सामने ये जो आइसक्रीम की रेहड़ी दिख रही है आपको राइट साइड पे, यहाँ से अंदर गली में इनका घर है, वहाँ से पिकअप करना है। उसके बाद पिकअप करके हम निकल जाएंगे अपना सीधे हरतपा के लिए। और बीच में जहाँ भी रुकेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और नाइट की ये मेरी पहली वीडियो है, नाइट में मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। और प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम के साथ। और जो नए अभी इस ब्लॉग को मेरा देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ में ही आप मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है और अपना स्क्रीन में भी नीचे चल रहा है। आप जो भी आपके कमेंट हो, जो भी आपको पूछना हो, कुछ आप मेरे को सजेस्ट करना चाहते हो ब्लॉग बनाने के लिए, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सामने बारात चल रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो चुका है। रात में यही दिक्कत होती है इधर, बारात लेके चल रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि पीछे कितना ट्रैफिक इनके चक्कर में जाम लग चुका है। और ट्रैफिक पीछे तक पहुंच चुका है, कम से कम 100 मीटर तक। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं, रोड पे गाड़ियां खड़ी करके खड़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अभी देखो घोड़े वाले को देखो, बग्घी वाले को कहाँ को ला रहा है। दिल्ली में आप कभी भी आओ, रात को 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, सुबह आओ, दोपहर में आओ, आपको 24 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक तो आपको मिलना ही मिलना है। पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि आप बिना ट्रैफिक में कुछ सेकंड के लिए फंसे हुए जा सकते हो। चाहे 2 मिनट के लिए आप ट्रैफिक में फंसो, लेकिन फंसोगे ज़रूर। और ये श्योर है कि आपने अगर ट्रैफिक में फंसना है तो फंसना है, आप जो मर्जी कर लो, चाहे रात दिन आप कभी भी आओ, रोड आपको खाली नहीं सकती है। मिलेंगे रोड खाली, लेकिन ट्रैफिक भी साथ में आपको मिलता रहेगा। अभी यहाँ पे देखो रात में भी रेड लाइट चल रही है और बहुत से लोग देखो, अभी देखो बाइक वाला गया, देखो ये गया बिना लाइट के, देखना ही नहीं है लाइट हो रही है क्या हो रही है, बस जहाँ से मन किया वहीं से गाड़ी अपनी निकाल देते हैं।
से सीधे मिल जाते हैं। हाँ, ये इस साइड है हिंडन एयरपोर्ट लिखा है ना, इसमें आगे से ये रास्ता निकल गया अपना सीधे गाजियाबाद नोएडा यहाँ से रास्ता कट जाता है, यहाँ से जो स्टार्ट ये आगे से ऐसे जाके घूम के आता है। दिल्ली खत्म हो चुकी है, यहाँ से अपना स्टार्ट हो चुका है, तब तक के लिए बने रही है जहाँ पे आती है गाड़ी रुकेंगे वहाँ पर। इन्हें बात हरी में खिले तो नहीं यार, थोड़ा बकल है तब तक के लिए आप बने रहे। अभी शिवर हवा पहुँच चुका है और मैंने थोड़ी सी चाय पी ली, खाने को खाने में चाय ऑर्डर कर दी है और चाय मेरी अपनी आ चुकी है, गिलास भर करके चाय पूरी इस तरह चाहिए। जैसे जो आप फोटो देख रहे हैं कस्टमर बाइक की है क्योंकि हमारे बीच में ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, फैसिलिटी अच्छी है और ये अंदर सारा आपका स्टाफ लाइन भी है, इस तरह से कुछ सेटअप है रेस्टोरेंट के लिए। फुल ए सी है, यहाँ पे आकर के आप खाना वगैरह खा सकते हैं और ये स्टाफ पूरा यहाँ पे सारा बैठता है। काफ़ी अच्छा खाना रहता है यहाँ का, टेस्टी खाना है, चाहे नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच आप जो भी करना चाहें यहाँ पे रुक सकते हैं और यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हैं। साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आए और अपना खाना पीना खाएँ। इसी जगह अभी तक फिलहाल बने रही है और मैं आपको आगे मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ अभी सलेड़ी। सलेड़ी यहाँ पे चाय के लिए रुके हुए हैं और इस टाइप का यहाँ का खेत देखिए, सुबह सुबह पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है। और अभी हम रुके हुए हैं पवन रेस्टोरेंट पे चाय के लिए, सामने अपनी गाड़ी खड़ी है और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है सलेड़ी। ज़्यादातर मैं यहीं पर रुकता हूँ चाय पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, और कुछ इस टाइप का है इस टाइप यहाँ पर उनका पूरे ग्राम होता है। चाय आ चुकी है, सर चाय ले आए थे और बस चाय पी करके फिर यहाँ से निकलते हैं सीधे अपनी मंदिर पे जहाँ पे सर लोगों को ड्रॉप करना है, वहाँ पहुँचते हैं डायरेक्ट। मैं आपको आप वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए आप बने रहिए, मिलते हैं आपसे आगे। उस इस तरह का रास्ता है पहाड़ों की, क्योंकि ये गांव की रोड है, ग्राम सभा की रोड है, तो यहाँ पे कोई ध्यान देता नहीं है और सिर्फ ना विधायक को किसी चीज़ की चिंता है ना ही प्रधान को किसी चीज़ की चिंता होती है। रोड की हालत देख लीजिए, अगर एमरजेंसी में कोई किसी को जाना हो तो गाड़ी भी जाने में भी टाइम लग जाएगा यहाँ पे, इतना बुरी हालत हो चुकी है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हरदफा अपने डेस्टिनेशन पे और ड्रॉप हो चुका है यहाँ पे, ये देखिए ये सब लोग यहाँ पे हैं, इनसे पूछते हैं कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। दोस्तों ये मैम और सर जो हैं मेरे साथ काफ़ी तीसरा चौथा ट्रिप है लॉकडाउन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनके यहाँ की लोकेशन कुछ इस तरह से है, ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है, कुछ इस तरह से इधर थोड़ा बादल लगे हुए तो इधर क्लियरिटी आ नहीं रही है और इधर का नज़ारा सामने का कुछ इस तरह से है।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। इसी के साथ जो भी नए व्यक्ति अभी यूट्यूब में जुड़ रहे हैं, ब्लॉग को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।